अदबी नुकात ओके मीन्स लिटररी पॉइंट्स. वर्ड वी हैव डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल दैट इज कंसिस्ट ऑफ सम ग्रामेटिकल मैटर्स ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट ग्रामेटिकल मैटर्स ओके. पेचीदा अल्फाज मीन्स कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. पेचीदा अल्फाज किसी मुस्तकिल कलमे यानी फ्री फॉर्म से या लफ्ज़ के साथ साबिका या लाहिका जोड़ कर तश्कील दिया जाता है. मीन्स वी कुड मेक ए कॉम्प्लेक्स वर्ड इन उर्दू लैंग्वेज ओके जॉइनिंग ए प्रीफिक्स और सफिक्स विद ए फ्री फॉर्म्स ओके मीन्स बेसिक फॉर्म. इफ़ वी आर जॉइनिंग ए सफिक्स और प्रीफिक्स विद एनी फ्री फॉर्म्स और विद एनी बेसिक फॉर्म्स दैट टाइम दैट फ्री फॉर्म्स विल बिकम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वर्ड ओके. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रेड इन दिस आर्टिकल बेपनाह फैसला कौन एंड अदर असली उसलूब ओके. हम आहंगी एंड देन मकाला निगार एले दीज आर सम दानिशवर एले दानिशवर. देन आलिमाना आलिम एंड आलिमाना दीज आर कॉल्ड अटैचिंग सच वर्ड्स will make these words complex these free verb form free forms complex words okay. Masala yo if we are adding a suffix and a prefix with any free forms that basic form that single word will become complex combo word okay. इन मिसालों में पनाह और फैसला मुस्तकिल कलमे हैं. इन दीज एग्जांपल्स द वर्ड पनाह एंड फैसला आर द फ्री फॉर्म्स जिन्हें लफ्ज़ भी कहते हैं दैट इज़ इवन कॉल्ड ए वर्ड ओके. और बे साबिका प्रीफिक्स और कुन लाहिका सफिक्स है ओके. सो बेपनाह फैसला कौन. सो इन दिस टू एग्जांपल्स पनाह एंड फैसला आर बेसिक या मींस आर ए वर्ड आर वर्ड एंड द वर्ड बे इज प्रीफिक्स मींस इट कम्स बिफोर ए वर्ड एंड कुन इज द सफिक्स मींस इट कम्स आफ्टर ए वर्ड ओके. सो टू जॉइन a suffix and prefix with a word it makes that word combo word okay. जिन्हें गैर मुस्तकिल कलिमा bond word कहते हैं okay. The word be and kun and other that's affix that affix means be and kun and other affix which has no self stand means it comes with another words so which has no self stands so those are called bond forms they have a form but becoming to join someone if the word be and kun comes with another word that time it will be called it will become a meaningful word otherwise it has no meaning and those are bond form means affix. मुस्तकिल कलमा किसी दूसरे कलमे का सहारा लिए बगैर भी बोला जाता है. ए फ्री फॉर्म्स ए वर्ड मे बी स्पोकन विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी वर्ड ओके. इफ़ वी वांट टू स्पीक एनी वर्ड वी कुड स्पीक एनी वर्ड टू रीच इट्स मीनिंग टू समवन बट वी कुड नॉट रीच आवर इनर मीनिंग थ्रू द वर्ड ऑफ अफिक्स थ्रू द वर्ड ऑफ बॉन्ड फॉर्म ओके. इफ़ यू विल से बे
and kun. So it will it has no a perfect meaning, a complete meaning. Okay. And a word, a free form has a complete meaning. In Urdu, you can say panah, faisla. Faisla means decision. Panah means shelter, panahga. Ali, panah, hifazat, preservation, safety. Okay. तो मुस्तकिल कलमा किसी दूसरे कलमे का सहारा लिए बगैर भी बोला जाता है. ए फ्री फॉर्म इज स्पोकन विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी अदर वर्ड. लेकिन गैर मुस्तकिल कलमे या लफ्ज़ के साथ मिलकर ज़ेर इस्तेमाल आता है. बट बॉन्ड फॉर्म्स आर यूज्ड विथ फ्री फॉर्म्स और विथ ए वर्ड. Without any free form or without any word, any bond form may not be used, may not be spoken. سابقے اور لاحقے کو تعلقیہ افکس کہتے ہیں. سابقہ suffix and affix both are part of affix. Suffix and prefix both are part of affix. Suffix and prefix are called affix. تعلیقیوں کی مدد سے اردو میں بے شمار پیچیدہ الفاظ تشکیل دیے جا سکتے ہیں. With the help of affixes, anybody create many complex words in اردو لینگویج. اردو میں مستعمل سابقوں اور لاحقوں یا تعلیقیوں کی ایک کثیر تعداد عربی و فارسی سے مستعار لی گئی ہے. A great number of suffix and prefix used in Urdu language is borrowed from Arabic and Persian languages. Okay, means there are many affixes in Urdu language taken from Arabic and Persian languages.